आज हम आपको अफ्तारी के लिए लेकर आए हैं मैरियट होटल पे। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम अली साहब से पूछेंगे कि यहाँ पे हमें टोटल कितनी डिशेस यहाँ अफ्तार में मिलेंगी। अराउंड 70 डिशेस हैं हमारे। अराउंड 70, जबरदस्त। खाली अफ्तार की हम बात करें तो अफ्तार में 15 टू 16 डिशेस हैं। क्या डिशेस हैं ये? हमारे चिकन विंग्स हो गए, वॉन्टॉन है, पोटैटो चीज बॉल्स, फलाफल इज ऑन द वे, ओके, मिक्स पकौड़ा आपका, इसमें हरी मिर्च, ग्रीन चिली, ये तो मेरी फेवरेट है। फेवरेट सेक्शन में मैं आई हूँ जो कि सैलेड बार यहाँ पे सारा है। अरबिक सेक्शन आ गया, हमस, ये बाबा गनूश है, ये मुतब्बल है। अब हम ये कॉन्टिनेंटल पूरा सेक्शन है, इसमें मिनी स्टेक विद पेपर सॉस है, मैक एंड चीज, एवरीबॉडी लव्स दिस, एवरीबॉडीज फेवरेट लज़ानिया। आपके इस साल मैंने ये बीफ लज़ानिया की बहुत तारीफ सुनी। एंड ये है मेरा लाइव पास्ता सेक्शन है, लाइव, ये पूरा हमारा पाकिस्तानी सेक्शन है। मेन डिश है हमारी चिलमन बिरयानी। नाउ ये देगी सेक्शन है, आज ये नहारी है, ये पाया है मटन पाया, ये यहाँ पे है इनका बारबेक्यू सेक्शन, और बारबेक्यू के अलावा भी यहाँ पे हमें बताएंगे। ये हमारा लाइव टेम्पुरा जापानी टेपनियाकी है, ये हमारा कटाकट, कटाकट ये भी अभी लाइव अभी स्टार्ट होगा। ये हमारा लाइव शवरमा है, यहाँ पे सज्जी का भी लाइव सेटअप है, बड़ा जबरदस्त। डेजर्ट काउंटर, यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाएगी आइसक्रीम, और इस पे ये टॉपिंग्स भी बहुत मजे की यहाँ पे रखी हुई हैं। जी व्यूअर्स, अब इसका आ गया टाइम रिव्यूज देने का। ये इनके अदना कबाब है ना जी, ये भी टेस्ट करके बताते हैं। जबरदस्त यार, ये तो बहुत मजे के है, वाकई बहुत मजे के। Assalamualaikum viewers, मैं हूँ सूफिया हुमायूं मुनीफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। जनाब, आज हम आपको अफ्तारी के लिए लेकर आए हैं मैरियट होटल पे। यहाँ पे बहुत प्यारा सा मार्केट सेटअप है, फर्स्ट फ्लोर पे पूल साइड पे हर साल होता है। यहाँ पे मैरियट में जो अफ्तार बुफे था लास्ट ईयर और इस साल कैसा बुफे है, तो हम कंपेयर करके आपको लास्ट ईयर और इस ईयर का कंपेरिजन भी बताएंगे, और इस साल जो चीज़ें ऐड हुई हैं मेन्यू में वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और टेस्ट कैसा है आप भी जानना चाहते हैं कि इस साल मैरियट के अफ्तार बुफे में क्या है खास, तो फिर चलें हमारे साथ। अफ्तार में इस वक्त है व्यूअर्स 1 आवर, और वैसे हम जब यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल बॉर्डर टाइम होता है कि हम आते हैं और जल्दी से खजूर लेते हैं और रोज़ा अफ्तारते हैं, लेकिन आज आप सबके लिए ब्लॉग बनाने के लिए हम लोग जल्दी आए हैं, और इस वक्त अफ्तार में 1 आवर है। और लेकिन कितने टाइम में हम आपको यहाँ का एम्बियंस और यहाँ जो डिशेज प्रिपेयर हो रही हैं वो आपको ज़रूर हम दिखाएँगे, और जब अफ्तार के बाद वो टेस्ट करेंगे और लास्ट ईयर के से जो कंपेरिजन था वो भी करेंगे, और फिर आपको रिव्यूज़ देंगे। रोजा लग रहा है, रोजा तो खैर लग रहा है, पर ये कि अब चीजें देख रहे हैं तो वहाँ चलते हैं। हम यहाँ पे कभी भी इतना पहले नहीं आए होंगे अफ्तार में, है ना? सही बात है, क्योंकि इस वक्त रश कम होता है, तो इस वक्त हम आराम से वीडियो अपना बना सकते हैं, व्लॉग कवर कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम आपको मिलवाते हैं मैरियट के एग्जीक्यूटिव शेफ से, इनका नाम है शेफ अली। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम अली साहब से पूछेंगे कि यहाँ पे हमें टोटल कितनी डिशेस यहाँ अफ्तार में मिलेंगी, और बल्कि अफ्तार क्या नहीं, आप हमें टोटल बताइए कि पूरे ओवरऑल आपका मेन्यू में अराउंड 70 डिशेस हैं हमारे। अराउंड 70, जबरदस्त। खाली अफ्तार की हम बात करें तो अफ्तार में 15 टू 16 डिशेस हैं। ओके, इसमें चाट, हम ये साथ साथ अपने व्यूअर्स को दिखाते भी जाते हैं। जी व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ये दही बड़े बने हुए हैं जनाब, और चाट भी यहाँ पे है, खट्टे आलू जी, खट्टे आलू के साथ, और ये फ्रूट चाट है इस वक्त। अच्छा, इस वक्त 1 आवर है अफ्तार में, लेकिन इस वक्त सारा सेटअप अफ्तार का रेडी है। तो ये अफ्तार बुफे है यहाँ पे, क्या डिशेज हैं ये? हमारे चिकन विंग्स हो गए, वॉन्टॉन,
पोटैटो चीज बॉल्स, फलाफल इज ऑन द वे, मिक्स पकौड़ा आपका इसमें हरी मिर्च, ग्रीन चिली ये तो मेरी फेवरेट है, आपके आलू के हैं, अनियन रिंग्स हैं एंड मिक्स पकौड़ा, ठीक है। ये कचौरी है, समोसा, आलू तरकारी, ये चिकन समोसा है, ये आलू समोसा है, ठीक है। आपकी जलेबी सही एंड बाकी ये सब सेम वहाँ पर ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है ताकि एक ही काउंटर पे रश ना हो। व्यूअर्स, डिनर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने फेवरेट सेक्शन में मैं आई हूँ जो कि सैलेड बार यहाँ पे सारा है और काफ़ी सारी तरह की सैलेड्स यहाँ मौजूद हैं और शेफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें नाम भी बताते जाएंगे। जी ये बीटरूट सैलेड है, बीटरूट और बसामिक, ये आपका एप्पल कैबेज है, ये चिक पी सैलेड है, ये फ्रेश क्यूकम्बर कचुम्बर है, ठीक है। फिर आपके फ्रेश सैलेड बार है इधर, ये आपके लेग्यूम्स एंड बीन्स हैं। फिर आपके अरबिक सेक्शन आ गया, हमस, ये बाबा गनूश है, ये मुतब्बल है, ये टर्किश मेज़े है कैरेट का, सही, ठीक है। ये बीट रूट मुतब्बल है, पम्पकिन हमस है एंड ये लबने, ठीक है। फिर ये आपकी फ्रेश लेटस, मिक्स लेटस एंड फ्रेश ग्रीन्स बराबर में। फिर आपके सीजर सैलड आ गई, ये पास्ता सैलड आ गया, आपके ग्रिल वेजिटेबल है विद ताहिनी सॉस, नूडल सैलड एंड लास्ट पोटैटो। जी व्यूअर्स, मैरियट में सैलड बार को जो मैं रेटिंग दूंगी वो तो है 10/10 और टेस्ट ये चीज़ें हमने की हुई हैं लास्ट ईयर, इस साल अफ्तार पे टेस्ट भी हम आपको कंपेयर करके बताएंगे लास्ट ईयर से। ये पिकल्स हैं, ये जैसे हमारे पास गार्लिक का पिकल है, ज़ुकीनी पिकल है, डिफरेंट जगहों पे हमने ये सारे पिकल्स हुए हैं जो मुझे बहुत पसंद है और आप बिल्कुल नहीं खाते। ये लेमन पिकल है, ये आपका सीजर ड्रेसिंग है, वो रेंच ड्रेसिंग है। अच्छा, ये हमारा हॉट एंड सावर सूप है, ठीक है। इसके कॉन्डिमेंट्स हैं ये। अच्छा, सूप हर दिन मेन्यू में यही होता है या किसी दिन कुछ और होता है? लोग, मैं तो अलग ही रखता हूँ, लेकिन जो हमारे क्लाइंट्स हैं लोग यही प्रेफर करते हैं कि हॉट एंड सावर सबको ज्यादा पसंद है, या चिकन कॉर्न सूप, सही। तो ये दो सूप ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये अल्टरनेट डेज में आप किस तरीके से जी, ठीक। अब हम ये कॉन्टिनेंटल पूरा सेक्शन है, इसमें मिनी स्टेक विद पेपर सॉस, बीफ स्टेक हो गई, ठीक है, मैक एंड चीज, एवरीबॉडी लव्स दिस, जबरदस्त, ठीक है। आपके चिकन स्टेक विद लेमन बटर सॉस, ठीक है। फिर ये सॉटेड वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। ये आपके रोस्टेड पोटैटोस, ठीक है, एंड एवरीबॉडीज फेवरेट लज़ानिया। आपके इस साल मैंने ये बीफ लज़ानिया की बहुत तारीफ सुनी है। जी हमारे, एंड ये मेरा लाइव पास्ता सेक्शन है, लाइव पास्ता, जिसको पास्ता खाना है वो उसी के सामने लाइव बनेगा, तो पीछे से कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, लास्ट ईयर आपके मेन्यू में बीफ लज़ानिया था, मुझे याद नहीं, नहीं, लास्ट नहीं था ना, मैं इसीलिए जी यही मैं नोटिस कर रही हूँ कि नहीं था ये लास्ट ईयर। इसमें आपके गार्लिक नान, तिल वाले नान, प्लेन नान, बटर नान, ऑल जो भी इवन आपकी कोई फरमाइश है तो उसके हिसाब से ही बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा हमारा पाकिस्तानी सेक्शन है। अब हम इस पे जो मेन डिश है हमारी चिलमन बिरयानी, जबरदस्त बिरयानी अभी आपको दिखाएंगे, इसमें छुपी हुई है बिरयानी, जिस वक्त हम टेस्ट करेंगे ज़रूर आपको दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मटन खड़ा मसाला है, सही, ये लौकी मसाला है वेजिटेरियंस के लिए, डिफरेंट हमारा वेजिटेरियंस होते हैं, कभी मिक्स होती है, कभी भिंडी होती है, कभी मिक्स वेजिटेबल, ये हमारा दाल है, दाल का भी ऑप्शन मौजूद है, ये वाइट राइस है हमारे, स्टीम राइस एंड आलू गोश्त चिकन का है आज, ठीक है, एंड ये है तवा चिकन, सही, हमारा तवा चिकन, तवा चिकन भी आपका अच्छा होता है बहुत जी। नाउ ये देगी सेक्शन है, इसमें आज ये नहारी है। अच्छा, निहारी किस चीज की है? आज चिकन की निहारी, चिकन एक दिन है। हम बीफ का ऑप्शन होता है, एक दिन चिकन का होता है, ये पाया है मटन पाया, और ये चिकन हलीम है, एक दिन बीफ एक दिन। अच्छा सही, शायद ये आपका हलीम चेंज होता है, एक दिन बीफ एक दिन चिकन, सही सही, मटन पाया यही रहता है।
और ये मसाले तो मस्ट है हलीम के साथ जी। अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने चाइनीज, ये हो गया आपका चाउमीन, वेजिटेरियन सही, ये आपका स्टीम राइस, स्टीम राइस, ये आपका हो गया स्वीट एंड सावर फिश, ये आपका चिकन हो गया जबरदस्त। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं इस वक्त मेन्यू तो जबरदस्त है, ये अनियन एंड चिली बीफ एंड गार्लिक फ्राइड राइस। We have a barbecue section as well outside. जी व्यूअर्स ये यहाँ पे है इनका बारबेक्यू सेक्शन और बारबेक्यू के अलावा भी यहाँ पे चीजें हैं। ये हमारा लाइव टेम्पुरा स्टेशन है, यहाँ पर हलवा पूरी भी होती है, अभी स्टार्ट होगी हलवा पूरी का सेटअप भी है। ये जापानीज टापनियाकी है, चिकन टापनियाकी, ओके ठीक है, चिकन टापनियाकी। ये हमारा कटाकट, कटाकट ये भी अभी लाइव अभी स्टार्ट होगा तो बड़ी रौनक हो जाएगी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये हमारा लाइव शवरमा है जबरदस्त, सज्जी का भी लाइव सेटअप है बड़ा जबरदस्त, और कितना ये खूबसूरत इस वक्त लग रहा है ये देखें जबरदस्त। बारबेक्यू में जी ये हमारा लाइव कबाब है, अदना टर्किश कबाब है, टर्किश आज कबाब है, टर्किश बोटी। थैंक यू सो मच शेफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे केक और यहाँ पे मिठाइयाँ भी बहुत मजे की रखी हुई हैं जबरदस्त। मैं आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? बेसन का लड्डू, वो इस वक्त मौजूद है यहाँ पे बिल्कुल। और आपको ये वाली गुलाब जामुन भी पसंद है? सही बात, ये तो सानिया की है, सानिया की फेवरेट है। केक्स के भी काफी सारे फ्लेवर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या नाम है आपका? इबादत शाह। आपके पास क्या क्या ड्रिंक्स मौजूद हैं इस वक्त? हमारे पास लस्सी होता है और स्वीट होता है और रुवाजा होता है, रुवाजा मिल्क होता है, मिल्क होता है, ऑरेंज होता है। सही, यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाएगी आइसक्रीम और इस पे ये टॉपिंग्स भी बहुत मजे की यहाँ पे रखी हुई हैं। आइसक्रीम के कौन कौन से फ्लेवर्स हैं अभी आपके पास? सर स्ट्रॉबेरी, वेनिला है, पाइनएप्पल है, चॉकलेट है, चॉकलेट और कैरमल, ओके रेड वेलवेट का। सबसे पहले आपकी फेवरेट गुलाब जामुन और इस वक्त जबरदस्त गरम गरम है, ये आई थिंक शाही टुकड़ा है ना जी, क्योंकि यहाँ पे वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन देखने में ऐसा ही लग रहा है। ये कोई सा हलवा है आई गेस, ये यहाँ पे मिठाइयाँ हैं सारी, बर्फी, इसके नाम आपको पता होंगे गुलाब जामुन, ये तो भाई टुकल बतीसा, और जनाब ये हो गए केक और टार्ट शुरू हो गए, टार्ट्स हो गए, अरे माय फेवरेट एग पुडिंग। केक की भी बहुत ज्यादा इस वक्त वैरायटी मौजूद है, माय गॉड मतलब टेस्ट कर ही नहीं सकते आप, है ना, बस जो आपकी फेवरेट है आप बस वही ले सकते हैं। व्यूअर्स यहाँ का मैरियट का डेजर्ट काउंटर मुझे हमेशा से पसंद है, बहुत जबरदस्त यहाँ पे इनके पास मीठे होते हैं, टार्ट भी जबरदस्त। और जनाब ये बकलावा आ गए, चॉकलेट मूस, बकलावा की कितनी सारी टाइप्स हैं, आप एक फ्रेश फ्रूट फ्रूट चाट वो यहाँ पे वो भी है, यहाँ एक क्यूट सा डेट कार्ड भी मौजूद है। ओहो मायो इसकी प्राइस बताइएगा? ये सिर्फ 500 रुपये। आपको कैसे पता? देख लें, पाव बोला है, किलो नहीं बोला सही। जी व्यूअर्स सबसे पहले हम ये सैलेड काउंटर से स्टार्ट करेंगे,
ये है बाबा गणेश। याद है मैंने बाबा गणेश बनाया था घर पे? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरी पूरी प्लेट सिर्फ सैलेड और सॉस से फिल हो गई है। सूप भी थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। जी व्यूअर्स, अब इसका आ गया टाइम रिव्यूज देने का। ये इनके अदना कबाब है ना जी, ये भी टेस्ट करके बताते हैं। टर्किश 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 अदना कबाब। जबरदस्त यार, ये तो बहुत मजे के हैं। ओह बाकी बहुत मजे के हैं। और टम्पूरा भी टेस्ट करते हैं। टम्पूरा में थोड़ा कोडिंग मैम कम कर देती हूँ। टम्पूरा भी अच्छा है, सज्जी भी सॉफ्ट है ना, वो एक होती है सज्जी थोड़ी हार्ड होती है, उस तरह की नहीं है। अच्छा, ये सारा बारबेक्यू जो भी है ना, कोई भी चीज़ इसमें स्पाइसी नहीं है ज़्यादा। अच्छा, इनका शोरमा रोल भी टेस्ट कर लेते हैं। शोरमा रोल इनका वो पीटा ब्रेड में नहीं है, जो नॉर्मल रोटी होती है उसमें है। शोरमा भी अच्छा है, लेकिन वो जिस तरह का स्पाइसी शोरमा का होता है ना, मोटी, वो वाली चीज़ नहीं है। ये भी सॉल्टेज ही है, लेकिन अच्छा है। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जीएम मैरियट होटल से। सर आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्बास खान। मेरा सही। तो आज हमारा बहुत अच्छा यहाँ एक्सपीरियंस रहा, और हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताएंगे कि, अच्छा पहले तो आप चार्जेस बता दीजिए। ठीक जी, तो वेलकम टू कराची मैरियट फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हमारी पूल बार की है, लैंडमार्क आई कैन से, जो कि हमारा एनुअल इवेंट होता है इफ्तार का। और ये आई मीन इट्स अ ट्रेडिशनल रमजान मार्की हैविंग मिडल ईस्टर्न विद लोकल टच। हमारी 4500 प्लस टैक्सेस पर पर्सन है। okay. और इसमें यू विल हैव ऑलमोस्ट 70 से 100 डिशेस हमारी मौजूद हैं। 70 to 100? बिल्कुल, क्योंकि और बुफे में यहाँ पे इतनी नहीं है मैंने डिशेस, क्योंकि काफ़ी हमने सर्वे किया। एग्जैक्टली तो इसके अंदर आपकी पाकिस्तानी कुजीन से लेके पैन एशियन, कॉन्टिनेंटल, यूरोपियन, चाइनीज के बाहर आप देख लेंगे। लाइव काउंटर है, लाइव बारबेक्यू है, आपके फिर डेजर्ट काउंटर है, पास्ता काउंटर लाइव आपको नहीं मिलेगा कहीं भी कराची में। उसके अलावा बेवरेजेस हैं, लस्सी से लेके हमारी टी है, हम कोटा से चावल को लेकर आए। कोल्ड ड्रिंक्स भी आपके बुफे में इंक्लूडेड हैं? बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक्स यूजुअली वो नहीं होती हैं। नहीं होती, हमने बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा है, हमने बड़ा यूजर फ्रेंडली रखा हुआ है कराची के लिए खासतौर से। बिल्कुल, और इट्स अ स्पेशल यू नो जेस्चर फॉर कराची रेजिडेंट्स वालों के लिए, समथिंग आउट ऑफ द वे हम लोगों ने एक जेस्चर रखा हुआ है। और डिशेस आपके मैंने देखा, आपका डेजर्ट काउंटर भी काफी सारी डिशेस जी, मतलब इट्स इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल नहीं, रियली इट्स इम्पॉसिबल टू ट्राई All these dishes. इसके अलावा सहरी के लिए क्या? सहरी के लिए बेसिकली जो है हमारा जो नादिया, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लॉबी पे है नादिया में, आपको सहरी सहूलत का बुफे होता है वहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2:30 सुबह 2:30 से लेकर सुबह 5 बजे तक होता है। okay. और सहरी का बुफे है 2700 प्लस टैक्सेस पर पर्सन। अगेन इट्स अ ह्यूज चॉइस ऑफ पाकिस्तानी कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल क्यूजीन, लाइव काउंटर सेटअप होता है वहाँ पे भी। तो सीइंग इज बिलीविंग, पर्सनली मैं इनवाइट करूंगा आप लोगों के आए और एक्सपीरियंस। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। टर्किश एयरलाइन वालों का भी, उसके लिए हमारे नाजरीन के लिए जो आपके पास विजिट करते हैं उसके लिए क्या है? जी बिल्कुल, टर्किश का ये कि हमारा अभी टर्किश की टीम भी आई हुई थी, टर्किश का जीएम भी मौजूद था, तो उसमें हमने एक कोलैबोरेशन रखा हुआ टर्किश एयरलाइन के साथ। बी डू विजिट अस और बी अ लकी विनर, हमारा ग्रैंड लकी ड्रॉ है टर्किश एयरलाइंस के साथ कराची इस्तांबुल कराची का रिटर्न टिकट, दैट विल बी गिवन टू अ लकी ऑब्वियसली विनर। तो हम हर साल होता है हमारा एमिरेट्स के साथ, टर्किश के साथ, तो इस दफ़ा हमने टर्किश के साथ किया हुआ है। और ऑब्वियसली इस्तांबुल आपको पता है इज़ अ वाइब्रेंट डेस्टिनेशन, तो वी हैव टू टिकट्स, फ्री टिकट्स कॉम्प्लीमेंट्री कराची इस्तांबुल कराची रिटर्न टिकट, तो दो खुशनसीब जो भी डाइनर्स आएंगे हमारे स्टार के। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करती हूँ कि दो लकी विनर्स तो होंगे, लेकिन यहाँ डेली बेसिस पे मैंने आज देखा काफ़ी सारे लकी विनर्स थे, और लकी हम भी उनमें से एक शामिल हैं, तो उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। Whoever comes in, वो खाली कोई नहीं जाता। तो व्यूअर्स हाईली रिकमेंडेड है ये, और आप जरूर आइए। और रमजान में अभी कितने 15 डेज रह गए? 15 दिन आज, 15 रमजान है। बिल्कुल 15 रमजान है, आपके पास 15 डेज है इस जबरदस्त बुफे को अवेल करने के लिए। और जरूर आइए मैरियट, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अमान अल्लाह।